बॉस। नहीं बॉस, हमें इसे लाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। हमने उस बुड्ढे को तो मार दिया बॉस, पर उसका बच्चा मेरे हाथ से निकल गया बॉस। तो हम ठीक से क्या करो तुम लोग? वो बच्चा हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अगर वो बच्चा पुलिस के हाथ लग गया और उसने हमारी हकीकत बता दी तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बॉस, हमें एक दिन का समय दो बॉस, हम उस बच्चे को किसी भी शर्त पर ढूंढ निकालेंगे बॉस। और वैसे भी मैंने अपने आदमी को उस बच्चे के पीछे लगा रखा है। ठीक है ठीक है। और वो लड़की, वो शीतल, उसका क्या हुआ? बॉस, आपके कहने के मुताबिक हमने उस लड़की को आधे रास्ते में बाहर फेंक डाला, पर फेंकते वक्त मैंने उसे धमकी भी दी कि ये बात पुलिस या किसी को भी नहीं बताए वरना संजू के मौत की कारण बनेगी। शुक्र है कोई तो काम तुम लोगों ने ठीक से किया। अंदर सिद्धार्थ और महक की शादी हो रही है। बॉस, मैं कुछ देर पहले इधर आया और मैं बाहर ही हूँ, पर हाँ, आते वक्त मैंने पंडित को अंदर जाते हुए देखा। ये काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। कुछ भी गड़बड़ी मेरे लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकती है। चलो। कुलदीप, बेटा मामा जी उधर गए, लगता है उन्होंने महक को यहीं कहीं किडनैप करके रखा है। मामा आप यहीं रुकिए, मैं अभी महक को छुड़वा के लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा यूं अंदर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और इस वक्त हमें जोश से नहीं खून से काम लेना होगा। मैं मामा जी को अच्छी तरह जानती हूँ, उन्होंने पुख्ता इंतजाम करके रखे होंगे। ऐसा करते हैं, तुम पुलिस को फोन लगाओ, पुलिस के साथ ही अंदर चलते हैं। हाँ मामा। हेलो पुलिस स्टेशन। दी दी दी, मुझे मर जाने दीजिए दी, लेकिन लेकिन मेरे कारण अपनी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए दी, दी प्लीज दी। संजू, मेरी जान तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। दी, शुरू कीजिए पंडित जी। ओम महानमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अस्तु इति सदा मम परिकल्पयामिरस्तु। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अस्तु इति सदा मम। मामा जी आप आ गए। मामा जी देखिए ना, मुझे पहचाना नहीं। मामा जी, मैं महक हूं, आपकी अपनी महक। मामा जी, मुझे यहां से ले चलिए, मैं यहां एक मिनट नहीं रुक सकती।
नमस्ते पंडित जी। महक, सलोनी को तो मैंने उसकी जायदाद का 50% हिस्सा अपने नाम करवाने के वास्ते मार दिया, क्योंकि उसने अपनी जायदाद जिस ट्रस्ट के नाम की थी ना, वो ट्रस्ट मैंने ही तो खोला था। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं कोई और खून खराबा करने से बचूं, तो चुपचाप मेरी बात मान लो, सिद्धार्थ से शादी कर लो। मामा जी, आप इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपने अपनों के साथ विश्वासघात किया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। महक, मेरी बच्ची, पैसों का बहुत महत्व है इस दुनिया में, बहुत महत्व है। क्यों पंडित जी? जिस इंसान को पैसों का महत्व समझ में आ जाता है ना, वो कभी धोखा नहीं खाता। जो इंसान पैसों का दीवाना होता है ना, वो तो अपनी मां तक को शक भरी नजरों से देखता है। हाँ, पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। सिद्धार्थ, ये लो तुम्हारे और महक के एयर टिकट्स। अब तुम पेरिस में सेटल्ड हो जाओ, शादी के बाद। मैंने वहां पर रहने का सारा इंतजाम कर दिया है। क्यों बच्ची, जाओगे ना? रक्षा करना, उन्हें इस कठिन घड़ी में आपके सहारे की बहुत जरूरत है। अग्नितिस्तु सदा मम। अब आप अग्नि नारायण के साक्षी में आमने सामने विजय माला पहनाइए। उठो उठो, आओ मैं। उठो मैं। ये माला पकड़ो मैं। ओम शिवंति कावकुल चंपक पाप दलाब्दी। पहले आप बनाइए। माला पहनाओ महक। कौन महक? पहनाओ जल्दी माला पहनाओ। रुक जा बचाने जरूर आओगे। महक, अब मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। मामा जी, आपका खेल खत्म।
बहुत नचाया आपने बस। और सिद्धार्थ, अपने भाई से भी ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुझ पर, और तूने क्या किया? अपनी भाभी से शादी करने चला था, तुझे शर्म नहीं आई? कुलदीप, मुझे यहां से ले चलो, मेरा दम घुटता है यहां पे। हाँ, हम चलेंगे, पुलिस किसी भी वक्त यहां पे पहुंचती होगी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मॉम, मॉम आपको लगता है हमें इस वक्त यूं अभी हनीमून पे जाना चाहिए? आई मीन अभी अभी तो हमारे फैमिली के सर से इतनी बड़ी मुसीबत टली है। बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। अब अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाओ और अपने हनीमून पर जाओ। मॉम, आप भी चलिए ना हमारे साथ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना गोल्डी? मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे हनीमून पर चलूं? अगर मैं तुम दोनों के साथ जाऊंगी तो अपने पोते को कैसे देखूंगी? मॉम, लेकिन मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले मुझे फोन करेंगी। बेटा, मुझे सिर्फ पोते की जरूरत है। अब जल्दी से जाओ और मुझे जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। ठीक है मॉम। Take care, mom. गाड़ी आगे देखकर चला, अगर कोई हादसा हो गया तो। Don't worry, darling, अब हमारे साथ कोई हादसा नहीं। ये लो, लो। हो गया हादसा। अब इसे क्या हुआ? चलो चेक करते हैं। आओ देखते हैं। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। हे भगवान। मिस्टर गोल्डी, अभी शायद थोड़ी देर पहले मेरे कान बज रहे थे। मैंने सुना था कि आज हमारे साथ कोई हादसा हो ही नहीं सकता। सुना तो तुमने ठीक ही था मैडम, लेकिन अब मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूं? और वैसे भी अगर इतनी हसीन लड़की गाड़ी में बैठी हो तो कौन कमबख्त मंजिल तक पहुंचना चाहता है। अच्छा, अब अपनी शायरी बंद करो और मुझे ये बताओ कि हम यहाँ मैकेनिक कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, जब तक कोई और गाड़ी नहीं आ जाती हम लोग अंताक्षरी खेलते, टाइम पास करते। शट अप गोल्डी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और यहाँ मेरी भूख से जान निकली जा रही है। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। लगता है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। क्या मतलब? वो देखो, अरे भाई साहब, मिनट। भाई साहब, दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक या गैराज मिलेगा? नहीं साहब, यहाँ 8-10 मील के अंदर तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, बेहतर होगा कि आप यहीं कहीं रुक जाइए और किसी से उसका फोन नंबर लेके उसे बुला लीजिए। गोल्डी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल लॉज? क्या बात कर रहे हो साहब, यहाँ आपको क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारे गाँव के सरपंच पाटिल साहब का घर है, वो शायद आपकी मुसीबत सुनकर आपको आज के लिए पनाह दे सकते हैं। ठीक हूँ मम्मा, मैं खाना खा लूंगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। आप तो बस ना मुझे अभी भी छोटी बच्ची समझती हैं।
हाँ मम्मा, घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। हाँ ओके मम्मा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, अब तो मुझे वाकई में भूख लगने लगी। लव यू मम्मा, बाय। आप सभी को सावधान किया जाता है, ये दो इंसान जो अपने आप को पति और पत्नी बताते हैं, वे लोगों के घर में घुसकर उनका खून कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 5 खून को अंजाम दे दिया है। किसी भी अजनबी को अपने घर में दाखिल ना होने दें। अगर आपको किसी पर शक हुआ तो आप इस नंबर पर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, 3432157। दरवाजे और खिड़कियां बंद है तो कोई बात नहीं। कौन है, कौन है यहां पर? स्पाइसी किंग का स्टुपिड, डरा नहीं गया तुमने मुझे? उल्लू किंग का स्पाइसी, मैं देख रही हूं तो आजकल बड़ा मस्ती खोर हो गया है। देखना भूखा रखूंगी तुझे मैं, तब जाके सुधरेगा तू। डफर किंग का स्पाइसी, तुमने सुबह सुबह वो बॉटल क्यों तोड़ी? डफर किंग का, अब तुम्हारी सजा सुनो। मैं आराम से खाऊंगी अपना बटर सैंडविच और तुम भूखे रहो। नाराज हो? नेवर माइंड। सुबह दूध रखा था वो तुमने पिया? नहीं पिया ना, पता था मुझे। देखो स्पाइसी, इस समय कौन आया है? कौन है? मैं देख के आती हूं। कौन है? रुको, जो इस तलख हकीकत को ना माने वो नादान है। ये इंसान फरिश्ता भी है और यही शैतान है। जिन लोगों के शौक जरायम उनके लिए कानून है कायम। चाहे जितना भी हो शातिर, मुजरिम तो मुजरिम है।